हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। ये देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही प्यारा ये टू कलर का डिज़ाइन लेकर आई हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन बनने के बाद कुछ इस तरह से आता है। तो फ्रेंड्स, इस डिज़ाइन को आज मैं आप लोग को बनाना बताऊँगी, तो वीडियो को फुल देखें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसको देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये रेड और पैरेट ग्रीन कलर में बनाया हुआ है। आप दो कलर का कोई सा भी डिज़ाइन ले सकते हैं जो आपके पास हो, या जो जिसका कॉम्बिनेशन आप लोग को अच्छा लगे, आप कोई भी कलर ले सकते हैं। तो ये बहुत इजी डिज़ाइन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए फ्रेंड्स, देखिए पहले तो आपने जो आपका बेस कलर होगा उसका आपने बॉर्डर बना लेना है। जो भी पैटर्न आप बना रहे हैं तो पहले बॉर्डर बनाएंगे आप, उसके बाद जो हमारा सेकंड कलर होगा स्टार्टिंग में उसको देखिए हम यहाँ पे लगाते हैं। तो हमारा शुरू से डिज़ाइन ऐसे ही बनेगा। तो यहाँ पे हम देखिए फ्रेंड्स, तीन बार तीन फंदे हमने पैरेट ग्रीन कलर से बुनना है। देखिए ये देखिए, हमने तीन फंदा बुन लिया और एक रेड कलर का हमने उतारना है। तीन हमने बुनना है, एक उतारना है, फिर हमने तीन बुना, एक उतारा, तीन बुना, एक उतारा। यही प्रोसेस हमने पूरी सिलाई में करनी है। ये हमारा पहली सिलाई होगा फ्रेंड्स। जैसे ही आप बॉर्डर बनाओगे उसके बाद पहला सिलाई हमारा सेम ऐसे ही बनेगा। या तो आप जिस पैटर्न के लिए बना रहे हो उस पे बॉर्डर बनाना चाहते हैं या नहीं, लेकिन स्टार्टिंग से हमारी डिज़ाइन सेम ऐसे ही स्टार्ट होगी, ऐसे ही बनेगी। तीन फंदे हम पहले बुनेंगे दूसरे कलर से और एक उतारेंगे, जो भी आपका कलर बेस कलर होगा। देखिए यहाँ पे एक हमने उतार लिया, एक बच रहा है, तो इसको हम एक ग्रीन से बुन देंगे। देखिए हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। फर्स्ट रो में हमने ऐसे ही निट करना है, यानी एक हमने सॉरी थ्री फंदे हमने बुनने हैं, फिर एक उतारना, फिर थ्री फंदे, ऐसे ही करके हमने सारी रो कंप्लीट कर ली है। अब हम बैक साइड आ गए हैं। बैक साइड देखिए, हमने एक ग्रीन को सीधा बुनाई होगा बैक साइड से और फ्रंट साइड से उल्टी, एक बुन लिया और एक उतार लिया ऊन को अपनी तरफ करके। फिर देखिए फ्रेंड्स, ऊन को हम पीछे करेंगे और तीन फंदे को हम सॉरी फ्रेंड्स तीनों फंदों को हम सीधा सीधा निटिंग करेंगे। फिर ऊन को अपनी तरफ रेड वाला उतार लेंगे, ऊन को पीछे ले गए और तीनों फंदे को हम सीधा सीधा बुन लेंगे। ऊन को आगे लेके आए अपनी तरफ और ये फंदे को हमने उतार लिया। फ्रेंड, जो फंदे हमने आगे के साइड बुना होगा उसको बुनना है और जो उतारा है उसको उतारना है, और दोनों साइड से हमने सीधा सीधा ही बुनना है। बस फंदा जो हम उतारेंगे उसको ऊन को आगे करके फिर हम यहाँ से ये फंदे उतार लेंगे। ये देखिए, हम पूरी रो कंप्लीट कर लिए हैं बुनकर। लास्ट में हमारे ये तीन फंदे बुन लेते हैं। ये देखिए, हम फ्रेंड्स सीधे के साइड आ गए हैं। ये देखिए हमारी डिज़ाइन एक मतलब ये वाली डिज़ाइन बनकर कंप्लीट हुई है। अब हमने ये ऊपर, ये देखिए फ्रेंड्स, आप लोग को जिग जैग ये डिज़ाइन लगेगी।
देखिए ऐसा नहीं है कि ये बराबर डिजाइन, एक डिज़ाइन मैंने और बताई थी तो वो बराबर बेस में चलता था, जैसे इसके ऊपर 3 था, इसके ऊपर 3 था ऐसे, बट इसमें यहाँ पे 3 नीट है, उसके बाद बीच में चोटी, फिर 3 नीट है ऐसे ऐसे। देखिए ये आपको दिख रहा होगा, ऐसी है ये डिज़ाइन। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स हमने क्या करना है, रेड वाले कलर से जो हमारा बेस कलर होगा, जिससे हम एक एक फंदे उतारेंगे, उससे हमने सारे फंदे को, पूरी रो हमने उसी से सीधी सीधी बुननी है। यहाँ पे ना कोई हमने घटाना है और ना ही कोई बढ़ाना है, सारी रो देखिए हम रेड कलर से, जैसे जो भी आपका बेस कलर होगा फ्रेंड्स, जिससे आपने उतारना होगा, जो एक एक फंदे उतारेंगे उसी कलर के ऊन से हमने यहाँ पे सीधे सीधे की बुनाई करनी है। ये देखिए फ्रेंड्स हमने बुनकर कंप्लीट कर लिया आगे की साइड, और पीछे से देखिए हमने सारे फंदे को उल्टा उल्टा बुनकर ये सलाई हमने कंप्लीट करनी है। देखिए हमने सारे ही फंदे को उल्टा उल्टा बुनना है। देखिए फ्रेंड्स इस डिज़ाइन को देखिए, हम लोग दो सलाई की डिज़ाइन बनेगी। उसके बाद जो हमारा बेस कलर होगा उसका दो सलाई हमने बुनना है, फिर हमारी डिज़ाइन स्टार्ट होगी। दो सलाई देखिए हम एक उल्टे की और एक सीधे की बना लेते हैं, फिर हमारी नेक्स्ट डिज़ाइन एक स्टार्ट होगी। तो चलिए इसको ऐसे ही बुनकर कंप्लीट करते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स हम ये बुनकर कंप्लीट कर लिए हैं, दो सलाई एक उल्टे की और एक सीधे की। अब देखिए हमारा नेक्स्ट डिज़ाइन स्टार्ट होगा। पहले तो हमने यहाँ पे 3 ग्रीन बुना था, अब देखिए हमने एक हम ग्रीन बुनेंगे फ्रेंड्स, और एक यहाँ पे हम ये फंदा उतारेंगे। फिर उसके बाद फ्रेंड्स देखिए हमने ये ध्यान देना है, ये देखिए हमने चोटी बनाई थी, तो आपने इतना ध्यान देना फ्रेंड्स कि चोटी वाला फंदा हमारा बीच में होगा, और अगल से और इसके बगल से 3 फंदे हमने देखिए ग्रीन के बुनने हैं। देखिए फ्रेंड्स ये देखिए 3 फंदे हमने ग्रीन के बुन लिए, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे हमने 3 फंदे स्टार्टिंग में बुने थे, तो इसके बीच में हमने एक रेड फंदा लेना है चोटी के लिए। देखिए ये जो हमारी चोटी बन के जा रही है, दिख रहा होगा आप लोग को ये, तो बीच में हमने देखिए इसके तीनों फंदे के बीच में एक एक फंदे देखिए मैंने इधर बुना है इधर, और बीच में एक फंदे उतार लिया है, तो ऐसे इधर भी होगा। देखिए ये 3 फंदे हैं ना फ्रेंड्स, 3 फंदे थे तो यहाँ पे बुना बुन गया है, तो एक हमारे ये जो बीच का फंदा होगा 3 में से, तो उसको हम ऐसे उतार लेते हैं, फिर हम बुन लेंगे। आप जब दो सलाई बनाएंगे फ्रेंड्स तो अपने आप ही ऑटोमेटिक बनता हुआ चला जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स तब हम लोग को पता चल जाता है। देखिए यहाँ पे 3 और ये हमारा बीच में आ जाएगा जो 3 बनाया था, ऐसे ऐसे ये हमारी डिज़ाइन पूरी कंप्लीट होती है। तो आपने बस इतना ही केयर करना है कि पहला रो जो हमारा बनेगा उसमें 3 ग्रीन होंगे, या आपने जो भी कलर सेकंड लगाना है, उसके बाद एक हमारा ये स्लिप होगा, फिर 3 रेड, और उसके बाद हमने एक दो सॉरी दो सलाई की उल्टी सीधी करनी है, एक सलाई उल्टी और एक सलाई सीधी। उसके बाद हमने क्या करना है, एक ग्रीन एक रेड, 3 ग्रीन ऐसे ही करते हुए जाएंगे, तो ये डिज़ाइन हमारी बहुत आसानी से बन जाएगा, बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है फ्रेंड्स। आप लोग ज़रूर ट्राई करें, और इस डिज़ाइन को आप किसी भी पैटर्न पर मेंशन कर सकते हैं, छोटे बच्चों के लिए बहुत ही प्यारी डिज़ाइन है ये फ्रेंड, क्योंकि हम स्वेटर छोटे बच्चों के स्वेटर पे फुल डिज़ाइन डालना चाहते हैं, तो ये सब डिज़ाइन छोटी छोटी होती हैं और बहुत ही अच्छी आती है बनके, और जल्दी भी बनता है, तो ये सब डिज़ाइन अच्छी लगेंगी, आप इसे किसी भी पैटर्न पे डाल सकती हैं। ये देखिए हमारा उसी तरह ये बनता हुआ जाएगा, बस इस साइड आपने केयर करना है। उसके बाद सेम हमारा ऐसे ही बनते हुए कंप्लीट हो जाता है, 3 बुनेंगे एक उतारेंगे, 3 बुनेंगे एक उतारेंगे, ऐसे ही करके हमारी पूरी डिज़ाइन ये कंप्लीट हो जाती है। देखिए लास्ट में हमारा इधर ये 3 आया है,
इसको हम बोल लेंगे। बैक साइड से हमने क्या करना है फ्रेंड्स, आप लोग को बताया है, एक बार फिर बताती हूँ मैं। बैक साइड से देखिए जो फंदे हमने बुने हैं वो बुने जाएंगे, और जो मैंने स्लिप किया है यानी उतारा है उसको, ऊन को हम अपनी तरफ लाके फिर इस फंदे को हमने एज स्टिच स्लिप कर लेना है। फिर ऊन को हम पीछे ले जाएंगे और ये तीन फंदे को हम सीधे सीधे बुन लेंगे, ऊन को आगे लाएंगे, फंदे को उतारेंगे, फिर ऊन पीछे ले गए, तीन फंदे बुने, फिर ऊन को आगे लेके आए, यानी जो फंदे हम बुने रहेंगे वो हमें बुनना है और जो उतारे रहेंगे फ्रंट साइड से वो हमने उतार लेना है। इसमें भी फ्रेंड्स हमारे फंदे का कोई इशू नहीं, आप जितना भी अपने पैटर्न पर फंदे डालने चाहते हैं आप डाल सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स हमारी सारी रो बनकर कंप्लीट हो गई है। ये देखिए हमारी डिजाइन कुछ इस तरह से आएगी बनने के बाद, और बहुत ही इजी है, आप लोगों ने देखा ही होगा। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।